अभी हम खड़े हुए हैं बेराल नगर के बेराल तालाब पर। यहाँ एक युवक मछली पकड़ते हुए तालाब में डूब गया है। युवक नगर परिषद कर्मचारी बताया जा रहा है। वो अपने पुत्र के साथ यहाँ मछली पकड़वा था। अभी गुम हुए युवक की तलाश तालाब में जारी है। स्थानीय गोताखोर उसकी तलाश में लगे हैं। मछली पकड़ते हुए तालाब में डूबा नगर परिषद कर्मचारी, एक घंटे चले रेस्क्यू के बाद गोताखोरों ने तालाब से निकाला शव। खबर बैराज नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर के घाटी नीचे स्थित तालाब से है, जहां पर अपने पुत्र के साथ मछली पकड़ने गया एक नगर परिषद का कर्मचारी तालाब में डूब गया। पिता को तालाब में डूबता देख पुत्र ने आसपास निकल रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना बैराड थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बैराड थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में डूबे युवक की तलाश शुरू की। तालाब में स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब एक घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नगर परिषद के कर्मचारी के शव को तालाब से निकाला गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बैराड नगर परिषद में पदस्थ कर्मचारी गजराज बाथम उर्फ गज्जू अपने पुत्र आकाश बाथम के साथ घाटी नीचे स्थित बैराड तालाब पर मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से नगर परिषद कर्मचारी तालाब में डूबने लगा। ये देखकर मौके पर मौजूद पुत्र आकाश ने आसपास मौजूद लोगों को मदद के लिए पुकारा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर परिषद कर्मचारी के शव को स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में से निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है देव आकाश बाथम। वो जी तेरे पिताजी को गहरा सिंह का कर रहे थे जे मजा ही मार रहे। फिर तो एक डुबकी लगाई थी मिली नहीं।